वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल नॉलेज। आज हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया और वायरस के बीच का अंतर के बारे में। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तब तक आपको वायरस और बैक्टीरिया के बारे में वो सब कुछ पता चल जाएगा जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे बॉडी में दो तरह की इन्फेक्शन होती है। नंबर वन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि बैक्टीरिया से होती है, और नंबर टू वायरल इन्फेक्शन, जो कि वायरस से होती है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बैक्टीरिया और वायरस के अंतर के बारे में बात करते हैं। डिफरेंस नंबर वन, सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया और वायरस के डेफिनेशन के बारे में। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया एक कोशीय अकेंद्रिक सरल जीव है जो प्राय हर जगह पर पाए जाते हैं। पृथ्वी के मिट्टी से लेकर अम्लीय गर्म ज्वालामुखी तक, नभिकीय पदार्थ से लेकर यहाँ तक कि कार्बनीय पदार्थ तक, जीव जंतु के शरीर में भी इसे पाया जाता है। अगर हम लोग वायरस के बारे में बात करें तो वायरस एक कोशीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही जीवित रह सकता है और रिप्रोडक्शन कर सकता है। ये नभिकीय अम्ल और प्रोटीन से गठित होती है। शरीर के बाहर ये मृत होती है और जब ये शरीर के अंदर मिलती है तो वो जीवित हो जाती है, इसलिए वायरस को परजीवी भी कहा जाती है। डिफरेंस नंबर टू, अब हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया और वायरस के साइज के बारे में। बैक्टीरिया एक बहुत ही छोटी जीव है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। इसको सिर्फ आँखों से देखना नामुमकिन है। उसको देखने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाती है जिसका नाम है लाइट माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया का साइज का रेंज है 200 से 5000 नैनोमीटर, जो कि इसका डायमीटर है। अब अगर हम वायरस के साइज की बात करूँ तो वायरस बैक्टीरिया से भी 10 से 100 गुना छोटी जीव है। इसको लाइट माइक्रोस्कोप से भी देखना नामुमकिन है, इसलिए इसको देखने के लिए एक अलग डिवाइस का इस्तेमाल किया जाती है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वायरस का साइज रेंज है 20 से 400 नैनोमीटर डायमीटर तक। तो आप खुद ही सोचिए कि एक वायरस कितना छोटी जीव हो सकती है। डिफरेंस नंबर थ्री, अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया और वायरस के शेप के बारे में। बैक्टीरिया अलग अलग शेप की होती है, उसमें से कुछ कॉमन शेप का बैक्टीरिया आप लोगों को बता दूँ। नंबर वन कोकस, जो कि स्पेरिकल शेप का है। नंबर टू बेसिलस, जो कि रोड शेप का है। और नंबर थ्री स्पाइरलस, जो कि स्पाइरल शेप का है। और अगर हम वायरस के शेप के बारे में बात करें तो वायरस भी अलग अलग शेप का होती है, लेकिन उसका कुछ कॉमन शेप के बारे में आप लोगों को बता दो। नंबर वन स्पाइरल और हेलिकल शेप, नंबर टू क्यूबिकल शेप का वायरस, और नंबर थ्री कॉम्प्लेक्स सिमेट्री का वायरस। डिफरेंस नंबर फोर, अब हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया और वायरस के जेनेटिक मटेरियल के बारे में। अगर हम बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की बात करूँ तो सिर्फ DNA ही प्रेजेंट होती है, लेकिन वायरस में जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA, इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है। ये डिपेंड करती है वायरस के टाइप के ऊपर। ये जो DNA और RNA है, इसको प्रोटीन के एक लेयर से सरण किया जाती है। डिफरेंस नंबर फाइव, हम बात करते हैं बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारी के बारे में। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी की बात करूँ तो कुछ बीमारी जैसे फूड पॉइजनिंग, ट्यूबरकुलोसिस जैसे TB बीमारी, ऐसा बैक्टीरिया की वजह से होती है। अगर हम लोग वायरस से होने वाली बीमारी की बात करूँ तो COVID-19, चिकन पॉक्स, ऐसा बीमारी। डिफरेंस नंबर सिक्स, अब हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारी का ट्रीटमेंट के बारे में। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से किया जाता है, और वायरस से होने वाली बीमारी जैसे COVID-19, चिकन पॉक्स जैसा बीमारी का ट्रीटमेंट वैक्सीन के द्वारा किया जाती है। आई होप कि आपको बैक्टीरिया और वायरस के डिफरेंस के बारे में अब पता चल गई है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को